हेलो एवरीवन। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में कार्ड्स दिखाए जाते हैं। लिन यांग सोचता है क्या ये पोकर गेम इतनी इंटरेस्टिंग होती है, और तभी उसे बहुत सारे नोटों के बंडल दिखते हैं। वुल्फ के फ्रेंड्स जाते जाते ये बोलते हैं कि जब से ये बच्चा आया है तब से वुल्फ जीते जा रहा है। वुल्फ हंसता हुआ बोलता है, जब भी मेरे पास दोबारा टाइम होगा मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगा। लिन यांग बोलता है, मेरे आने से पहले तुम लगातार हार रहे थे, तो तुम्हें मुझे तुम्हारा गुड लक बनने के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। वुल्फ हंसता हुआ बोलता है, ऑफ कोर्स थैंक्स अ लॉट, 1.2 मिलियन तुम रखो। लिन यांग उस कार्ड को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है, तुम इतने बुरे भी नहीं हो। वुल्फ बोलता है, बड़ी अब तुम मुझे और ज़्यादा पसंद आने लगे। लिन यांग बोलता है, तुम नॉर्मल आदमी तो नहीं हो, तो बताओ क्या बात है। वुल्फ बोलता है, कल तुमने मेरी जान बचाई थी, तो तुम जो मांगोगे मैं उसमें सेटिस्फाई रहूँगा, तो मैं तुम्हें रीपे करना चाहता हूँ। लिन यांग पूछता है, क्या ये होटल तुम्हारी है। वुल्फ बोलता है, मेरे पास इसके 60% शेयर है। लिन यांग बोलता है, इस होटल को मुझे देने के बारे में क्या प्लान है। वुल्फ डर के मारे अपनी सारी ड्रिंक्स अपने मुंह से बाहर निकल देता है। वो बोलता है, तुम थोड़े से बोल्ड हो, और अब जो तुम्हें ये होटल चाहिए तो ये मेरे लिए बहुत मामूली चीज़ है, तो मैं इसे तुम्हें दे दूँगा। लिन यांग बोलता है, मैं बस मजाक कर रहा था, क्या तुम ये मुझे सच में दे रहे हो। वुल्फ उसे बोलता है, अब तो तुम मेरे फ्रेंड हो, तो चलो हम थोड़े से मज़े करते हैं। वुल्फ लिन यांग को मसाज सेंटर ले जाता है। फिर वुल्फ और लिन यांग अपना मसाज करवाते हैं। लिन यांग बोलता है, वाह तुम सच में एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, प्लीज़ मुझे अपनी आइडेंटिटी बताओ। वुल्फ बोलता है, 5 अंडरग्राउंड पावर्स जो पूरी 20 सिटी को कंट्रोल करता है, वो लोग पॉइजन ड्रैगन, वाइल्ड वुल्फ, रेड डॉट, ब्लैक गन एंड स्ट्रोम है। लिन यांग पूछता है, क्या तुम इन 5 सेक्टर्स में से एक हो। वुल्फ बोलता है, हेलो मैं वाइल्ड वुल्फ का हेड हूँ जो पूरे वेस्ट एरिया को कंट्रोल करता है, और तुम एक स्टूडेंट हो राइट। लिन यांग बोलता है, मैं पूरे कॉलेज में 1st ग्रेड पर हूँ, और मुझे एक क्वेश्चन है, वाइल्ड वुल्फ और ब्लैक गन इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। वुल्फ बोलता है, हम लोग उन्हें एक दिन में ही मार सकते हैं, लेकिन ब्लैक गन के हेड वांगजी टैंग के बैकग्राउंड में उसके फादर है, जिसे कोई भी चैलेंज देने के बारे में नहीं सोच सकता। लिन यांग बोलता है, वुल्फ ये इस सिटी की दी मोस्ट लग्जरी होटल है, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल गर्ल्स क्यों नहीं है। वुल्फ हंसते हुए बोलता है, मतलब तुम्हें बेटर चाहिए, रुको मैं तुम्हें यहाँ की सबसे बेस्ट दिखाता हूँ। वो चुटकी बजाकर बोलता है, शुएंग जियाओ को यहाँ पर लाया जाए, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हुई हो तो। लिन यांग बोलता है, शुएंग जियाओ। वुल्फ बोलता है, मैंने उन्हें 2 साल पहले बहुत सारे पैसों से खरीदा था, उन दोनों को तुम्हारे साथ बहुत मजा आएगा, प्लीज़ मेरे खजाने को वेस्ट मत करना। फिर दो लड़कियाँ आती है और बोलती है, मिस्टर वुल्फ क्या आपको हमारी ज़रूरत है। वो दोनों भी ग्लो कर रही होती है। लिन यांग सोचता है, ये दोनों स्ट्रेंज शाइन कर रहे हैं। वुल्फ बोलता है, कैसे है ये दोनों, तुम शॉक हो गए ना, तुम मेरे ब्रदर हो तो अब ये तुम्हारी हुई। लिन यांग बोलता है, हाँ मुझे ये दोनों पसंद आई, तुमने इन्हें कितने में खरीदे, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। ये दोनों ग्लो कर रहे हैं इसीलिए मुझे कुछ वियर्ड लग रहा है, तो मैं इन दोनों को नहीं जाने दूंगा। वुल्फ बोलता है, तुमने मेरी जान बचाई है और तुम अभी मेरे ब्रदर भी हो, तो तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिन यांग बोलता है, ओके लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों गुड फ्रेंड्स हैं। वुल्फ बोलता है, तुम दोनों अब से मेरे ब्रदर के साथ रहोगे, अंडरस्टैंड। लेफ्ट वाली लड़की बोलती है, आई एम हुई, और राइट वाली लड़की बोलती है, आई एम लैन। वो दोनों बोलती है, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो हमें बताना मास्टर। लिन यांग बोलता है, तुम दोनों घर पर मेरा इंतज़ार करो। वुल्फ बोलता है, घर पर ले जाने की तकलीफ क्यों करते हो, तुम यहीं पर मज़े उठा सकते हो। लिन यांग हंसता हुआ बोलता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी सीक्रेट टेक्निक्स सीख लो। थैंक यू ब्रदर वुल्फ, अगर तुम्हें किसी भी टाइप की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। वुल्फ बोलता है, रियली मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे तुम्हारी स्किल्स ट्राई करनी है। मेरे साथ प्रैक्टिस करो और मुझे भी बताओ कि तुम कितने गुड हो। अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, विला, गर्ल्स, मेड। लिन यांग बोलता है, ये सारी बहुत कीमती चीज़ें हैं तो मैं इसे नहीं ले सकता। वुल्फ लिन यांग को गुस्सा मारने जाता है और बोलता है, मैं हारना नहीं चाहता, लेकिन लिन यांग वुल्फ के पंच से बच जाता है। वुल्फ बोलता है, ग्रेट। फिर वो दोनों अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। वुल्फ सोचता है, मैंने ये सब सीखने में सालों लगा दिए हैं, और लिन यांग इतनी जल्दी सीख भी गया। लिन यांग बोलता है, ये रियली पावरफुल था, अभी मैं हार जाता। वुल्फ बोलता है, मैं हार गया, कल तुम मेरे साथ आना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक हाउस है जो मैं बेचना नहीं चाहता। लिन यांग बोलता है, नहीं, हुई और लेन ही इनफ है, और मुझे हाउस नहीं चाहिए।
वुल्फ बोलता है, मेरे शब्द मिलियन गोल्ड के बराबर है, तो मैंने बोला तो इसका मतलब मैं तुम्हें दूंगा। क्या तुम हुई और लेन को वापस ले जाना चाहते हो? लिन यंग बोलता है, ब्रदर वुल्फ प्लीज उन लोगों का मेरे लिए ख्याल रखना। और सोचता है, मैं उन्हें अपने घर ले जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। रास्ते में वो सोचता है, इस कार्ड में मेरे पास 1.2 मिलियन है, तो अब मुझे पार्ट टाइम जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़े टाइम में अपने पार्ट टाइम जॉब छोड़ दूंगा और कुछ और करूंगा। तभी उसका फ़ोन आता है। लिन यंग बोलता है, हेलो। सामने से आवाज़ आती है, मैं वही हूँ जिसने कल तुमसे 1000 उधार लिए थे। अब मैं अपने दोस्तों से मिल चुका हूँ, कल पोईजी बिल्डिंग आ जाना, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लिन यंग बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम पैसे अपने पास ही रख लो। लू लियांग बोलता है, नहीं तुम्हें आना ही होगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मैं नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द पोस्ट करूंगी, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।